पंजाब में बलदियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाले इजलास में हुकूमत पंजाब ने तारीख का ऐलान किया। इजलास में सेक्रेटरी बलदियात, एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर लीगल शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन जल्द पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए हतमी तारीख का ऐलान करेगा। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बलदियाती इलेक्शन कराने की तारीख दे दी है। तफसीला जानते हैं, कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, बताइएगा 15 मई फाइनल की गई है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सर्वे में इस्लामाबाद में इजलास हुआ है। इस इजलास में पंजाब की तरफ से सेक्रेटरी बलदियात डॉक्टर रहीम रऊ और एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद बेग ने शिरकत की है। अजलास में पंजाब हुकूमत ने अपनी रजामंदी दी है कि मई के मिड में यानी कि 15 मई तक बलदियाती इलेक्शन पंजाब में कराए जा सकते हैं। पंजाब की तैयारी मुकम्मल है, पंजाब का होमवर्क मुकम्मल है, पंजाब को कोई इतराज नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो खुद इसका शेड्यूल जारी करेगा। शेड्यूल जारी करने का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तारीख देगा, लेकिन पंजाब ने कह दिया है कि मई के मिड में इलेक्शन करा दिए जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। ईद के फौरन बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।